दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। इस भर्ती के लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं और इस भर्ती के लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा और ना ही कोई आवेदन शुल्क जमा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, MTS के लिए यहाँ पर 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, 18,000 सैलरी है। टैक्स असिस्टेंट के लिए डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं, 25,500 सैलरी है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं, 44,900 सैलरी है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आयकर विभाग भर्ती 2021 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की। वैकेंसीज की बात की जाए तो आप पोस्ट वाइज वैकेंसी जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF से चेक कर सकते हो। पे स्केल की बात की जाए तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 44,900 से 1,42,400 है। टैक्स असिस्टेंट के लिए 25,500 से 81,100 है। MTS जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है इसके लिए 18,000 से 56,900 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर इसमें बात की जाए तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहां पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 18 से 30 वर्ष है। टैक्स असिस्टेंट MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 27 वर्ष है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा शॉर्ट लिस्टेड और इंटरव्यू के आधार पर, बिना एग्जाम के भर्ती है। ऑफलाइन ही तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से मेल हो या फिर फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। IncomeTaxIndia.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप इस भर्ती का आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 सितंबर 2021 है और जो दूर दराज के एरिया है उनके लिए 8 अक्टूबर 2021 है। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया हुआ है। यहीं पर आप जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म PDF के लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स UP की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन स्पोर्ट कोटा की भर्ती है। यहाँ पर पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जिनके लिए आपसे ऑफलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। 30/9 लास्ट डेट है और जो दूर दराज के एरिया है उनके लिए 8/10/2021 तक आप आवेदन सेंड कर सकते हो। एड्रेस यहां पर दिया गया है, जिस एड्रेस पर आपको आवेदन सेंड करना होगा ये इसका ऑफिशियल एड्रेस है। आवेदन सेंड करने की कंप्लीट डिटेल्स हम आपको देंगे इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 3 वैकेंसीज है, लेवल 7 के अंतर्गत सैलरी है। टैक्स असिस्टेंट के लिए 13 वैकेंसीज है, लेवल 4 के अंतर्गत सैलरी है। MTS के लिए 12 वैकेंसीज है, लेवल 1 के अंतर्गत सैलरी है। इसी तरह यहाँ पर एज लिमिट दी गई है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 18 से 30 है और जो टैक्स असिस्टेंट MTS की पोस्ट है 18 से 27 है। 5 साल की छूट जनरल OBC के लिए है और 10 साल की छूट SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है। इसी तरह यहाँ पर आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की भी जानकारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं, टैक्स असिस्टेंट के लिए डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। साथ में डाटा एंट्री स्पीड मांगी गई है। यहाँ पर आप 10वीं पास MTS के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर वैकेंसीज भी चेक कर सकते हो, पोस्ट वाइज दी गई है। स्पोर्ट एलिजिबिलिटी की भी आप यहाँ से पूरी डिटेल चेक कर सकते हो और बाद में मैच करने के सिंपली आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर आप जैसे इस PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे तो सिलेक्शन की डिटेल्स दी गई है। शॉर्ट लिस्टेड और इंटरव्यू से इसमें आपका चयन होगा और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर गेम की पूरी लिस्ट दी गई है जो यहाँ पर आपके सामने इस टेबल में ही दी गई है।
अप्लाइंग प्रोसीजर की बात की जाए तो आपको आवेदन फॉर्म इसी पीडीएफ से डाउनलोड करना होगा और एड्रेस यहाँ पर ये दिया गया है, इस एड्रेस पर आपको रजिस्टर पोस्ट के द्वारा सेंड कर देना होगा। लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे इस पीडीएफ को स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर आपको एप्लीकेशन परफॉर्मा भी दिया गया है, इसी के एंड में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर इसको यहाँ से क्रॉप कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ राइट साइड में पेस्ट करना होगा। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे। इसी तरह यहाँ पर आपको फुल नेम फिलअप करना होगा। उसके बाद में फादर्स नेम कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना होगा। जेंडर मेल या फीमेल आपको सिलेक्ट करना होगा। परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस आपको फिलअप करना होगा। कम्युनिकेशन एड्रेस आपको उसके बाद में फिलअप करना होगा। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी होगी। एज लिमिट यहाँ से आपको फिलअप करनी होगी। उसके बाद में जनरल ओबीसी एससी एसटी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, उसके बाद स्पोर्ट्स इवेंट या गेम यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद में बेस्ट परफॉर्मेंस डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। इसी तरह जो जो डिटेल्स मांगी गई है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर आपको फिलअप, टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद आपको इसी तरह से यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा, फुल नेम डालना होगा, प्लेस डेट यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा और ऑफिशियल एड्रेस पर सेंड कर देना होगा। तो दोस्तों ऐसे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की इस भर्ती के लिए ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हो। इनकम टैक्स यूपी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों बाकी की जानकारी के लिए आप ऑफिशियल लिंक पर भी विजिट कर सकते हो। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, व्हाट्स न्यू का सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर भी आपको लिंक दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे पोर्टल पर एक और न्यू भर्ती आ चुकी है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ही निकली है। ये यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई के लिए निकली है। इसके लिए 155 वैकेंसीज है। इसके लिए भी आप यहाँ से सिंपली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 25 अगस्त इसकी भी लास्ट डेट है। यहीं पर आपको लिंक दिया गया है ऑनलाइन करने का। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।